खबर रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से है, जहां रविवार को भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा तहसील मऊगंज द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने एवं धर्म के नाम पर समाज के भावनावान लोगों को लूटने व देवी देवताओं को अपशब्द प्रयोग करने व आरोप लगाते हुए पंडोखर सरकार के कथित महंत गुरु शरण शर्मा निवासी जिला दतिया के खिलाफ विरोध यात्रा निकाली गई। मऊगंज SDM के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अपने आप को पंडोखर सरकार कहता है तथा देवी देवताओं को भी अपशब्द बोलता है एवं माता दुर्गा जी के लिए अभद्र टिप्पणी किया है कि ऐसे देवी देवता हमारे जूतों में पॉलिश करते हैं। गुरु शरण शर्मा के ऐसे कथन से समस्त हिंदू धर्म की जनता के हृदय में आघात पहुँचा है, जिसके विरोध में यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कथित पंडोखर सरकार उर्फ गुरु शरण शर्मा का पुतला दहन भी किया गया। उपरोक्त विरोध यात्रा प्रिंस जन्मासा गायत्री मंदिर के पास से नगर मऊगंज से प्रारंभ होकर चाक मोड़ होते हुए पेट्रोल टंकी तक जाएगी, जहां पर शाम लगभग 3 बजे पंडोखर सरकार उर्फ गुरु शरण शर्मा का पुतला दहन बाद यात्रा समाप्त हुई। नारियों का अपमान करता है, उनको भैंस बोलता है, कुछ बोलेगा, इस तरह से समाज को लूट रहा। जिसे गरीब असहाय लोग हैं, इनको पर्ची बना के 25,000 के नाम से, 50,000 के नाम से पंडोखर सरकार भी उत्पन्न हो चुका है और उसका भी सनातन धर्म के विरोध में, और शायद है कि उसका इसी तरीके से पुतला दहन होता रहे जिस तरीके से उस काल में आज तक पुतला दहन हो रहा है। जय माता की। पंडोखर सरकार मुर्दाबाद।